उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर नाकाम होती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि इस शिविर के जरिए पार्टी अपनी समस्याओं को सुलझा लेगी, लेकिन हो रहा है इसके ठीक उलट। इस शिविर के बाद से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। घोघरा ने कहा, जनता की आवाज उठाने पर उन्हें प्रशासन दबा रही है, पार्टी में भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा विधायक गणेश घोघरा ने बताया कि वो जनता के कामों को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन अधिकारी व्यस्त होने का बहाना बनाकर काम नहीं करते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले पार्टी के विधायक का इस्तीफा देना बड़ा नुकसान है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस में लगातार विकेट गिर रहे हैं। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ भी युवा और कद्दावर नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को जो इस्तीफा पत्र भेजा है वो ट्विटर पर भी शेयर किया था। हार्दिक से पहले पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मुखिया सुनील जाखड़ ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर चिंतन शिविर में कांग्रेस के मजबूती से उधरने का दावा किया जा रहा था, वैसा होता दिख नहीं रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफों का दौर जारी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कांग्रेस की नैया भगवान भरोसे, ये कहना गलत नहीं होगा।